जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जा रहे हैं बस स्टॉप तक। मैं और मेरी फ्रेंड्स अयोध्या ट्रिप के लिए जा रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बीच बीच में पूरी जर्नी दिखाती चली जाऊँ। ये हमको बस पे सीओ करके ये जा रहे हैं। अयोध्या ट्रिप मेरा केवल ही प्यारी भाभी की वजह से हो रहा है। सुबह सुबह मुझे फोन की कि खाली है सीट, आ जाओ। मैं धम से भागी ना आया, बाल भी नहीं झाड़ पाई। बहुत बहुत थैंक यू। ये सब मेरी फ्रेंड्स एकदम तैयार हैं सच धज के। कौन कितना प्यारा लग रहा है पहले देखूं मैं। सभी लोग अपने लग रहे हैं, सभी लोग अपने अपने मुंह डालो आगे। प्यास सा लग रहा था तो मैंने आइसक्रीम ले ली है। अब हम लोग ई रिक्शा करके सरयू नदी में स्नान करने जा रहे हैं। जिसको स्नान करना है वो, नहीं तो माथा टेकने जा रहे हैं। ये सरयू नदी है, ये क्या है, राम की पैड़ी। ये हम लोग ये सामने जो दिख रहा है ये राम की पैड़ी है। ना शेकिंग हो रहा है मोबाइल। जो दिए जलते हैं वो यही जलते। ये हम लोग सरयू नदी पे पहुंच गए हैं। ये देखिए पूरा सरयू नदी इसे स्लोप जैसा है। हम लोग सरयू नदी सामने दिख रही है वहाँ के लिए। ये देखिए पूरा काफी मेंटेन हो चुका है हर चीज। हम लोग घाट उतरते हुए इतना मन को सुकून, इतना खुशी मिल रही है कि आज हम लोग राम की भूमि पे खड़े हैं। आज उनका दर्शन करेंगे हम लोग। यहाँ पे सभी नदी में नहाएंगे मेरी फ्रेंड है, मैं देखूंगी केवल कृष्ण कन्हैया बन के। आप नहाएंगे तो भी भाभी, आप भी नहाएंगे? हाँ नहाएंगे। हाँ नहाएंगे, हाँ नहाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इस नाव को देखिए किस तरह से सजा हुआ है। ये नाव बड़ा मुझे सुंदर लग रहा है। इसके अंदर देखिए आप टेडी बियर भी रखा हुआ है। लग रहा है बच्चों को संभालने के लिए, उनके खेलने के लिए इसकी भी व्यवस्था की गई है। हर बोट पे, हर नाव पे इस तरह से देखिए श्री राम जी के झंडे लगे हुए हैं। कहीं हनुमान जी बने हुए हैं, कहीं हनुमान जी बने हैं, तो कहीं राम जी बने हुए हैं। इस तरह से माला फूल की भी व्यवस्था हुई है, जिसे आप सरयू नदी का अर्चन करें, उनको दिया जलाएं और उनको फूल अर्पण करें। इस तरह से यहाँ पे इसकी व्यवस्था है। सरयू नदी में घूमना चाहें तो इस तरह से नाव से आप स्टीमर से पूरा इस पार से उस पार जा सकते हैं। इसी के ऊपर देखिए ये पुल बना हुआ है। साबुन नहीं लगाइए, साबुन नहीं लगाइए, क्यों लगा रहे हो? पर्स भी ले गई है। सरयू नदी को स्पर्श करके बहुत ही आनंद आया, जैसे लग रहा था कि जैसे किसी माँ को हम लोग ने स्पर्श किया हो। इस तरह से नहाने के बाद लोग शंकर भगवान की ये देखिए इस तरह से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आके लग रहा है कि हमें बार बार आना चाहिए, ऐसा मन को एहसास हो रहा है। देखिए ये सब व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बड़ा अपनापन सा फील हो रहा है। नहाने के बाद बहुत ढेर सारा भूख लगी है, तो हम लोग लंच घर से लाइनों में बना कर सैंडविच, ये भाभी लोग भी बहुत बढ़िया बढ़िया बना के लेके आई हैं। और ये बच्चे भूख लगी है बेटी, क्या लाए हो तुम, दिखाओ। और भी सब लोग अपने अपने टिफिन खोल रहे हैं। ये मेरी डियर बता रही है यहाँ बैठो वहाँ बैठो, आए
खाना नहीं निकाल रही हो तुम, बस बता रही हो खाना निकालो क्या निकालो, क्या लाई हो? पैसे सब निकाले पूरी। खोलो ये पेपर। क्या लाई? अचार? अरे बाप रे बाप, पूरा टिफिन भर के, पूरा टिफिन भर के आम का अचार और ये भगवान टिक्कीदार एकदम भरमा मिर्ची। ओ बाप रे बाप, ये देखिए ये राम की पौड़ी एकदम, देखिए जल में सब लोग स्नान कर रहे हैं। राम की पौड़ी के दर्शन करके भागे धन हुए हम लोग। हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं, ये सामने देखिए, ये सामने हनुमानगढ़ी मंदिर, ये सारा ही लगा हुआ है मेला टाइप से। ये हनुमानगढ़ी जाने का ये सीढ़ी है, देखिए खूब लंबी सी। मंदिर प्रांगण के अंदर हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हम सब लोग भाभियां मिलके कोला का चुस्के लेने के लिए तैयार है, चुस्की 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 लेने के लिए तैयार है। अभी भैया बना रहे हैं, अभी सारा सारा फ्लेवर इसमें डालेंगे तरह तरह से, लाल पीला नीला। वाह बहुत कलरफुल है। मुझे भी खिलाओ, खुद ही खाओगे, हम वीडियो बनाने में लगे हैं। ये दशरथ जी का महल है, ये राम जन्मभूमि स्थल है, यहाँ रामलला जी विराजमान है। पर यहाँ अंदर ले जाने को न मोबाइल और न ही बैग जाने को कह रहे हैं, ये लॉकर है यहाँ पे कह रहे हैं आप जमा कर दीजिए। तो आगे मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, अभी वापस से आने के बाद फिर मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ रामलला के दर्शन के लिए जो भी राम जन्मभूमि में आ रहा है वो कम से कम सामान या तो लेके आए नहीं तो लॉकर में पहले से जमा कर दे, क्योंकि वहाँ चेकिंग बहुत हो रही है। कम से कम 3 बार मेरे हिसाब से हुआ, और सारा सामान वो पैसे के अलावा कुछ नहीं जाने दे रही है। तो आप अपना लॉकर में सामान रख के तभी फ्री होके जाए। और मैंने देखिए ये यहाँ से ये खरीदा है निशानी, यहाँ बहुत से बिक रहे हैं, ये मैंने 20 रुपीज में खरीदा है। ये हम लोग का मूल फल खा रहे हैं जो भगवान श्री राम जी ने 14 वर्ष तक के वनवास में खाया था, और वही सोच के हम लोग भी खा रहे हैं ताकि हम लोग भी भगवान बहुत है। टेस्टी फल है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। अब हम लोग राम जन्मभूमि से होते हुए अब कनक भवन में आ गए हैं। यहाँ पे अभी पट बंद है, हम लोग से कहा गया था शायद 4 बजे, लग रहा कुछ देर है या 4:30 बजे से पट खुलेगा। और दिखाती हूँ भी मैं यहाँ कितनी बड़ी भीड़ है, ये देखिए पट, ये देखिए ये पट बंद है अभी, मंदिर की तरफ चले जाएंगे। सब लोग इंतजार में खड़े हैं। राम की नगरी अयोध्या में बहुत सारे बंदर हैं, आपको हर जगह दिख जाएंगे। ये देखिए कैसे बजरंग बल के रूप में आपको विराजमान दिख जाएंगे। एक हफ्ता कनक भवन में हम लोग इंटर कर रहे हैं, ये ठंडी सी बहुत सी एकदम झोंका आ रहा है, बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, बहुत सुंदर। ये देखिए एकदम उस जमाने का सीता जी को सुनने में आता है कि ये दिखाई नहीं, ये महल मिला था। ये देखिए बहुत सुंदर ये महल है, और न जाने कब का ये महल बना होगा। मैं आपको एक वो दे देती हूँ जल्दी से, कभी फिर कभी आऊँगी तो मैं इसका अलग से वीडियो जरूर बनाऊँगी। अभी तो फिलहाल मैं एक व्यू दे दे रही हूँ। सभी लोग मंदिर में सीताराम सीताराम का जाप कर रहे हैं करके, लेकिन बहुत भीड़ था, अच्छे से दर्शन नहीं मिल पाया मुझे, और मुझे रिटर्न भी करना है। बस इधर बाहर वेट कर रही है तो मैं उधर अंदर का ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई। महिलाएं सारी थक के बैठी हुई हैं और बस का इंतज़ार कर रही हैं, कुछ महिलाएं मेरी नहीं आई हैं, उनको इंतज़ार में बैठे हुए हैं, फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो जाएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।